हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस सीजन में घर पे रखे हुए प्याज पे इस तरीके से अंकुर आ जाता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जो ये ऊपर का हिस्सा है, हम इसे लगा सकते हैं, और नीचे का जो प्याज बचता है उसे हम अपनी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे ग्रो करें। इसके लिए मैंने एक पॉट पे 40% मिट्टी, 40% कंपोस्ट और 20% रेत मिक्स करके इस पॉट पे भरा हुआ है। अब हम इस पॉट को अच्छे से पानी से भिगो लेंगे। इसकी सारी मिट्टी अच्छे से भीग जानी चाहिए। अब हम जो हमारे ये प्याज हैं, अब हम इन्हें कट करेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा पतला भी नहीं कट करना है और ना ही ज़्यादा मोटा। आधे से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा हमें इसका कट करना है। देखिए इस तरह से, जब हम ज़्यादा प्याज ले आते हैं तो वो इस तरीके से उसमें अंकुर आ जाता है, तो इसे वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इसे उगा सकते हैं। इस तरह से प्याज उगाने पे हमें प्याज की पत्तियां घर पे मिल जाती हैं, लेकिन इस पे कंद नहीं बनता है। आप इससे बार बार पत्तियां लेके काट के सब्जी में डाल सकते हैं, बस इसके नीचे कंद नहीं बनेगा। ये प्याज काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप 10 से 12 दिन में इसमें नई पत्तियां आने लगेंगी। आप उन पत्तियों का यूज सब्जी, दाल किसी में भी यूज कर सकते हैं। अब ये मेरा प्याज कट हो चुका है। अब मैं इसे मिट्टी में इस तरीके से दबाऊंगी। जो प्याज का नीचे का हिस्सा है, पत्तियों को छोड़ के उसे हमें पूरा मिट्टी पे दबा देना है। आप इसे पूरा नीचे का हिस्सा मिट्टी पे दबा दें। प्याज को लगाने के 4 से 5 दिन तक हमें इसे शेडी एरिया पर रखना है। उसके बाद हम इसको फुल धूप में रख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारा प्याज को दबा लेंगे। इस तरीके से लगाया गया प्याज काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है। आप इसे 15 से 20 दिन में कट करके यूज कर सकते हैं। हमारा सारा प्याज लग चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब आप इसमें दोबारा पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी हल्की सी सूख जाए। इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस होनी चाहिए, ना ज़्यादा पानी ज़्यादा ना कम। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।